8000 चमारों ने बौद्ध धर्म की दीक्षा सहारनपुर के नागल जिले में ली और कल जाके 50,000 लोग फिर से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने वाले। क्योंकि इस देश में जो अन्याय अत्याचार होता है, ये अन्याय अत्याचार ये केवल जाति के आधार पर होता है, ये पैसों के आधार पर नहीं होता कि तू इतना पैसे वाला है, मैं गरीब हूं। वरना आज हमारे अमीरों के ऊपर भी अन्याय अत्याचार तो हो ही रहे, पढ़े लिखे लोगों के ऊपर हो रहे हैं, ये केवल जाति के आधार पे होते हैं। और इसलिए अगर इस देश से अन्याय अत्याचार करप्शन ये सब नष्ट करना होगा तो सबसे पहले जाति को नष्ट करना होगा। हमारे नरेंद्र मोदी जी क्या नारा देते हैं, 8 नवंबर 2016 को टीवी पे आते हैं और रात को 9 बजे कहते हैं कि कल से 500 और 1000 रुपए की नोट बंद कर दी जाएगी, ये लागू नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देश में करप्शन बहुत बढ़ गया, देश में अत्याचार हो रहे हैं, देश में बलात्कार होते हैं, देश में इस तरह से घटनाएं होती हैं और इसका मुख्य कारण होता है कैश। और इसलिए इस देश की इकोनॉमी को, इस देश की अर्थव्यवस्था को कैशलेस कर दो और कैशलेस होने के बाद अन्याय अत्याचार करप्शन सब मिट जाएंगे। मैं आप इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको भी बताना चाहूंगा, इस देश में अन्याय अत्याचार कैश के वजह से नहीं हो रहे, इस देश में अन्याय और अत्याचार कास्ट के वजह से होते हैं। इसलिए इस देश को कैशलेस नहीं कास्टलेस करने की जरूरत है, इस देश को कास्टलेस करने की जरूरत है, इस देश को डीमोनेटाइजेशन की नहीं डी ब्राह्मणाइजेशन की ज्यादा जरूरत है, डी ब्राह्मणाइजेशन करने की ज्यादा जरूरत है। जिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने इस देश में जाति की निर्माण कर दिया है, उस जाति को नष्ट करने के लिए इस देश को भी डी ब्राह्मणाइज करना पड़ेगा। और इसलिए आज बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बाबा साहब अंबेडकर जी ने, देखिए बाबा साहब अंबेडकर जी, हम लोगों को पता लगता है कि बाबा साहब ने बौद्ध धर्म 14 अक्टूबर 1956 को लिया, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की जो आज इस देश में हम लोग जो डेट निकालते हैं वो 14 अक्टूबर 1956 हो जाती। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, बाबा साहब अंबेडकर जी ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेने से पहले भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए संस्था निर्माण की। बाबा साहब अंबेडकर जी ने ये जो संस्था बनाई दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसको हिंदी में या प्रांतीय भाषा में हम लोग भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, इस संस्था का गठन बाबा साहब अंबेडकर जी ने 1955 में ही किया और बाबा साहब अंबेडकर जी को इसका पंजीकरण 4 मई 1955 को प्राप्त हुआ और बाबा साहब अंबेडकर जी इस संस्था के माध्यम से भारत को बौद्धमय बनाने का काम बाबा साहब अंबेडकर कर रहे थे। और जैसे ही बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से बौद्ध धर्म के दीक्षा के कार्यक्रम आयोजित किए, बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस व्यवस्था को बहुत बड़े पैमाने पर हिलाने का काम इस देश में किया। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के माध्यम से ही इसी अलीपुर रोड के बाबा साहब अंबेडकर जी के बंगले में बाबा साहब अंबेडकर ये सारा कारवा बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का चला रहे थे। आज हम लोग यहाँ पर जो बैठे हैं ये भी बाबा साहब अंबेडकर की जमीन। लेकिन आज इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को बचाने की बहुत बड़ी जरूरत है। गली गली में हम लोग देखते हैं, अलग अलग राज्यों में देखते हैं, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया यानी बाबा साहब अंबेडकर की संस्था को बहुत बड़े पैमाने पर ये जो मनुवादी व्यवस्था है ये काबिज करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी हो, ये सारा जो बाबा साहब का जो मुख्य उद्देश्य था उस उद्देश्य से हटाकर कुछ अलग ही करने के लिए इस बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया को काम पे लगाया जा रहा है। और इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी ने बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का गठन किस लिए किया। आज हम लोग यहाँ पर थोड़ी देर में बंते जी के द्वारा बौद्ध धर्म की दीक्षा लेंगे। बाबा साहब अंबेडकर जी ने इस संस्था का सदस्य होने के लिए दो कंडीशंस रखी है। पहली कंडीशन बाबा साहब ने रखी है कि अगर आपको बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का सदस्य होना है तो सबसे पहले तो बौद्ध धर्म की दीक्षा लेनी होगी। अगर आप बौद्ध धर्म की दीक्षा ही नहीं लेते तो बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर कैसे हो गए। और दूसरी कंडीशन, आपको एनुअल मेंबरशिप फीस भरनी होगी। तब बाबा साहब अंबेडकर जी कितने रुपीस, कितने पैसे चार्ज किया करते थे? 1 रुपये। खुद बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ है
और आज 2017 को ये फीस 10 रुपए है। इसलिए मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बाबा साहब अंबेडकर जी के संस्था के माध्यम से बहुत हम के ये जो प्रमाण पत्र आप लोगों को मिलने वाले हैं, इसी के साथ साथ बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर्स आप लोग बनिए और बाबा साहब अंबेडकर जी के संस्था के माध्यम से जो काम इस देश में हम लोग कर रहे हैं उसमें आप लोग शामिल हो जाइए। उसमें शामिल होकर बाबा साहब अंबेडकर जी का ये कारवा किस तरह से आगे बढ़ाना है वो हम लोगों को साथ में लेकर होना करना पड़ेगा, वरना बाबा साहब अंबेडकर जी के जितने भी इस संस्था के प्रॉपर्टीज है, जितने भी उद्देश्य है, उसको हटाकर आरएसएस